तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक छोटा सा वीट फार्म बनाया था, लेकिन आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा वीट फार्म बनाने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग जो मेरे पीछे ये चेस्ट देख पा रहे हो, इसके अंदर मैंने वो सारा का सारा सामान रख दिया जिस सामान की जरूरत मुझे इस वीट फार्म को बनाते टाइम पड़ने वाली है। इस चेस्ट के अंदर मैंने काफी सारा स्टोन ब्रिक्स, डर्ट, रेडस्टोन और वुडन प्लैंक्स रख दिए, और अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी दूसरी चेस्ट से उठा लूंगा, उसके अंदर सारी की सारी चीजें पड़ी हैं। फिलहाल अभी ना बाहर रात होना स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें फटाफट चल के एक बार सो लेना चाहिए, क्योंकि रात को तो वैसे भी ज़ॉम्बी समय काम करने देंगे नहीं, तो एक बार चल के हम लोग सो ही लेते हैं। कहीं भाई बाद में पता चला मैं अपना मस्त यहाँ पे रात को बिल्ड कर रहा हूँ और पीछे से कोई क्रीपर आके ब्लास्ट हो जाता है, तो इसके बाद यार उसके बिरादरी के क्रीपर भी मेरे से बहुत गंदा कूटेंगे। फिलहाल अभी ना यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो भी हम लोग फटाफट चलते हैं और जितना भी सामान है वो सारा का सारा चेस्ट से हम लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने पास डायमंड्स भी रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने डायमंड्स के कुछ टूल्स भी बनाने हैं। तो अभी हम लोग बाहर चल के फटाफट अपने वीट फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना हम लोग टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम अपने वीट फार्म को बनने में भी लगेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ी सी वुडन प्लैंक्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्टिक्स बनानी है और यहाँ पे मुझे एक शवल बनानी है, क्योंकि जब से मेरे पास डायमंड आया है मैंने एक बार भी सारे के सारे टूल्स बना लिए, लेकिन एक बार भी यहाँ पे शवल नहीं बनाया। और यहाँ पे मैं एक डायमंड की हुई भी बना लेता हूँ, क्योंकि ये भी मुझे कहीं ना कहीं काम आने वाली है। और बाकी के डायमंड्स मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, और जो जितना भी फालतू सामान है वो सारा का सारा सामान मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, और जितना भी कीमती सामान है जो इस वीट फार्म को बनाने में काम आने वाला, नहीं तो बार बार मुझे इस चेस्ट के अंदर से सामान निकाल के लेके जाना पड़ेगा, तो इसीलिए सारा सामान एक बार में लेके चलते हैं। फिलहाल मुझे ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लग रही है अपने वीट फार्म के लिए, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी हुई है। लेकिन ये देखो भाई, ये जो गड्ढे ना ये बहुत दिक्कत देने वाले हैं। सबसे पहले ना मुझे फटाफट इन सारे गड्ढों को भरना पड़ेगा, इसके बाद मुझे इस जगह को अच्छे से क्लियर भी करना है, तो फटाफट मैं सारे के सारे गड्ढों को भरना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। डन गाइस, अभी ना इस जगह पे जितने भी गड्ढे थे उसको मैंने अच्छे से डर्ट से यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन जो अपना वीट फार्म है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है, तो मुझे ना यहाँ पे आसपास की सारी डर्ट को भी हटाना होगा, ताकि मुझे अपने वीट फार्म को बनाने के लिए एक काफी बड़ा एरिया मिल सके। तो मैं फटाफट ये सारे के सारे एरिया को भी क्लियर कर देता हूँ। अभी ना मैंने यहाँ पे काफी सारे एरिया को क्लियर कर दिया और यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स रह गए, तो मैं इनको यहाँ पे फटाफट हटा देता हूँ। और यहाँ तक मुझे लग रहा है इतना बड़ा एरिया अपने वीट फार्म के लिए बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि जो आप लोग सामने ये ग्रास देख पा रहे हो ना, इसको हमें पहले हटाना पड़ेगा, तो नहीं तो ये बाद में बहुत ज्यादा गंदी लगेगी। तो इसको ना मैं कुछ इस टाइप से हाथों से नहीं हटाने वाला, अगर मैं इस ग्रास को हाथों से हटाने पे आ गया तो ये पूरा दिन ले जाएगी, तो मैं इसको ना कुछ इस टाइप से पानी डाल के यहाँ पे हटाने वाला हूँ, जिससे ये अपना काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये काफी ज्यादा एरिया में ना पानी यहाँ पे ग्रास को क्लियर कर दे रहा है, तो इससे ना अपना काम बहुत जल्द होने वाला है। तो फटाफट मैं यहाँ पे सारी ग्रास को क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल अभी ना मैंने यहाँ पे सारे एरिया को अच्छे से क्लियर कर दिया, जितनी भी ग्रास थी वो भी हटा दी, और यहाँ पे जितने गड्ढे थे वो भी अच्छे से फिल कर दिए हैं। तो भी हम लोग ना अपना फटाफट यहाँ पे वीट फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक मैंने यहाँ पे रखा है, और यहाँ से इस साइड मैं दो ब्लॉक्स रखूंगा, और दो ब्लॉक्स इधर, और दो ब्लॉक, और दो ब्लॉक इधर साइड। और तो यहाँ पे जो अपना वीट फार्म है कुछ इतना बड़ा होने वाला है, वैसे ये इतना बड़ा नहीं होने वाला है, इतना बड़ा आगे को जाने वाला है ये वीट फार्म, तो मैं ना इसको आगे की तरफ भी बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने वीट फार्म के एरिया को बनाना स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल अभी ना गाइस मैंने इस वीट फार्म को दो ब्लॉक की हाइट तक बना लिया है, लेकिन मैं इस वीट फार्म को थ्री ब्लॉक की हाइट तक बनाने वाला हूँ, ताकि ये वीट फार्म थोड़ा सा और बड़ा बन सके। क्योंकि हम लोग जितना बड़ा वीट फार्म बनाएंगे हमें उतनी ज्यादा वीट मिलने वाली है एक ही बार में इस वीट फार्म से।
और जो मैं अपने साथ यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स बना के लेके आया था उनका यहाँ पे यूज आने वाला है, ताकि इसको ना एक अच्छी सी फिनिशिंग लुक मिल सके, ताकि यार ये दिखने में वीट फार्म अच्छा भी लगे। कहीं ऐसा हो वीट तो हमें मिले ही बट दिखने में अच्छा भी लगना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी चीज लगी भाई उतनी ज्यादा अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर ये मस्त लगने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे काफी सारा यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स भी लगाने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे इस जगह को तो अच्छे से कवर कर दिया है, लेकिन अभी भी ये वीट फार्म पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है। जो आप लोग देख पा रहे हो ये मैंने सिर्फ एक साइड से बनाया है, मैं ऐसा चारों साइड बनाने वाला हूँ। डन गाइस, अभी ना मैंने इस वीट फार्म को चारों तरफ से बना दिया और अभी आप लोग देख ही सकते हो इसकी कितनी ज्यादा मस्त लुक आ रही है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ये कंप्लीट होगा तब तो भाई ये बहुत ज्यादा मस्त लगने वाला है देख के। फिलहाल जो अपने साथ मैं यहाँ पे डिस्पेंसर लेके आया था उनको मैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अभी भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रह रहा है जिसके बिना ये वीट फार्म बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, वो है रेडस्टोन वायरिंग का, जो कि भाई मुझे थोड़ा सा सही भी लगता है क्योंकि मैं इसको करना सीख चुका हूँ थोड़ा बहुत। काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग इसको एक बार सीख जाओगे तो इसको यूज करना काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैं अपने साथ काफी सारे रेडस्टोन रिपीटर लेके आया था जिनको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि जो करंट है वो सीधा अगर हम लोग ऐसे भेजेंगे तो वो वायर के थ्रू ना ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो 10 या 15 ब्लॉक तक जाता है मेरे हिसाब से, मुझे पक्का तो नहीं पता। आप लोग गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना जो माइनक्राफ्ट के अंदर, कि माइनक्राफ्ट के अंदर करंट कितने ब्लॉक दूर तक जा सकता है। फिलहाल अभी ना गाइस जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट चीज करनी है वो ना हमें इसके नीचे से एक कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है, ताकि जितना वीट आए यहाँ से वो सारा का सारा हमारी दूसरी चेस्ट तक जा सके, ताकि हम लोग वीट को एक ही जगह से कलेक्ट कर सकें। अब मैं चाहता तो मैं चारों तरफ भी यहाँ पे चेस्ट लगा सकता था, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा और मैं अपने वीट फार्म को थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहता हूँ। फिलहाल अभी ना गाइस आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो मैंने इस जगह को अच्छे से क्लियर कर दिया है, और अभी आप लोग देख सकते हो ये नीचे से काफी ज्यादा मस्त भी लग रहा है। लेकिन भाई इन सब के चक्कर में ना मेरी पिकेक्स दो बार टूटती टूटती रह गई, मैं अपनी पिकेक्स को दो दो बार यहाँ पे रिपेयर करके लेके आया हूँ। और अभी ना यहाँ पे गाइस मैंने पानी भी नहीं डाला, जैसे हम लोग यहाँ पे वाटर फिल करेंगे तो भाई यहाँ पे जो लुक आने वाली है बहुत ज्यादा मस्त आने वाली है। तो मैंने गाइस हम लोग फटाफट एक बार ऊपर चलते हैं और बाकी का जो भी काम अपना रह गया है वो हम लोग यहाँ पे कम्प्लीट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी काफी सारे गड्ढे हुए पड़े हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे वीट फार्म के अंदर बाद में कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर कोई भी बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए सारी चीजों को मैं पहले ही यहाँ पे अच्छे से देख के चल रहा हूँ, ताकि जो अपना वीट फार्म है वो बाद में बिल्कुल मस्त तरीके से काम करे। फिलहाल अभी ना गाइस यहाँ पे अपना 95% काम डन हो चुका है, क्योंकि अभी ना मैंने इस वीट फार्म को अच्छे से बना दिया है, बस इसका ना थोड़ा सा 5% काम रह गया, वो भी इसका कलेक्टिंग सिस्टम अच्छे से बनाना है, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें अच्छे से अपनी चेस्ट के अंदर स्टोर हो सके। और यहाँ पे मैंने जो इसके अंदर कबल स्टोन फेंका था वो बाहर आ चुका है, बस यहाँ पे मुझे ना हॉपर्स कनेक्ट करने हैं ताकि अच्छे से जितनी भी चीजें वो स्टोर हो। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट एक एरिया बनाना स्टार्ट करता हूँ और इसके बाद अपना यहाँ पे सारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज भूल गया कि अपने वीट फार्म के अंदर तो वीट ही नहीं है, तो बिना गाइज यहाँ पे मुझे जितनी भी वीट सीड है उस सारी की सारी वीट सीड को प्लांट करना होगा, तभी तो भाई हमें अपने वीट फार्म से वीट मिलेगी। डन गाइज, अभी ना अपना यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अपना वीट फार्म अभी देखोगे तो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। बस एक दो छोटे मोटे अपडेट्स मैं इसमें बाद में करने वाला हूँ, ताकि ये अपना वीट फार्म और भी ज्यादा अच्छा दिखे। फिलहाल अभी ना गाइज मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ अपने वीट फार्म के बारे में। यहाँ से हम लोग अगर लीवर दबाया तो जितनी भी वीट यहाँ पे उगेगी वो सारी की सारी वीट आके सीधा इन चेस्ट के अंदर कनेक्ट होने वाली है, जो भाई दिखने में काफी ज्यादा मस्त लगेगा। लेकिन गाइज इस वीट फार्म को बनाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इसे बनाने के लिए मुझे टोटल 3 घंटे लगे हैं। सो गाइज इस 3 घंटे की मेहनत के लिए एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। और गाइज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आखिरकार मुझे कितना वीट इससे एक बार में मिल सकता है। जिसने भी राइट आंसर दिया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट दूंगा एंड पिन करूंगा उसका कमेंट। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। गुड बाय।